आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 के श्लोक 60 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाभवा जेना कौन्तेया निबद्धा स्वेना कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन् मोहत् करिष्यायस्य अवसो पीतत। अंडर इल्यूजन यू आर नाउ डिक्लाइनिंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन बट कंपेल्ड बाई द वर्क बॉर्न ऑफ योर ओन नेचर यू विल एक्ट ऑल द सेम ओ सन ऑफ कुंती। तो भगवान बोल रहे हैं कि इल्यूजन में आकर के तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मेरे डायरेक्शन में आ रहे हो, तुम डिक्लाइन कर रहे हो कि तुम्हें मेरे बातों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, बट कंपेल्ड बाई दी वर्क बॉर्न ऑफ योर ओन नेचर, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही है या तुम्हारा प्रवृत्ति ही है एक क्षत्रिय बनने का, तो इसीलिए तुम अपने आप ही तुम वही काम करोगे। ठीक है, तुमको लग सकता है कि तुम मेरा बात मैं बोल रहा हूँ बोल करके नहीं सुनना चाहते हो, बट तुम्हारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। सो इफ़ वन रिफ्यूजेज टू एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड देन ही इज़ कम्पेल्ड टू एक्ट बाई द मोड्स इन विच ही इज़ सिचुएटेड। अगर वो भगवान कृष्ण के बातों को सुनने से रिफ्यूज़ कर देता है तो वो जैसा बना हुआ है नेचुरली वैसे ही काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। एवरी वन इज़ अंडर द स्पेल ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर एंड इज़ एक्टिंग इन दैट वे। हर किसी को किसी किसी तत्व से वो बना हुआ है, उसी तरीके से ही वो काम करता है, उसी तरीके से ही वो बिहेव करता रहता है। But anyone who voluntarily engages himself under the direction of the Supreme Lord becomes glorious. लेकिन जो खुद को भगवान की छत्र छाया में रखता है वो glorious बनता है। अगर आप खुद को भगवान के छत्र छाया में नहीं रखना चाहते हो तो आप वैसा ही बिहेव करोगे जैसे कि एक क्या बोलते हैं इंसान, जैसे कि आप बने हुए हो naturally। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे बनने के लिए आपको मतलब होता है ना कि when you are into the divine grace of God, तो भगवान की बातों को ही फील करके उस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो। पर जैसे ही आप खुद को बोलते हो नहीं मुझे भगवान का नहीं सुनना है, तो जैसे आपको बाय डिफॉल्ट बनाया गया है, आप बाय नेचर जैसे बने हुए हो आप वैसा बिहेव करोगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुमको लग रहा है कि अंडर इल्यूजन में आकर के यू आर नाउ डिक्लाइनिंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन। तो मेरे बातों को सुनने के लिए तुमको लग रहा है कि तुम्हें मेरे बातें सुनना पड़ रहा है, लेकिन तुम अगर मेरे बातों को नहीं सुनोगे तो तुम जैसे बने हुए हो वही करोगे। तो बट कंपेयर्ड बाय द वर्क बॉर्न ऑफ योर ओन नेचर, अपने ही नेचर से तुम जैसे बने हुए हो तुम वही यू विल एक्ट द सेम, तुम वैसा बिहेव करोगे। अगर तुम मेरे बातों को नहीं सुनते हो तो तुम वैसा ही बिहेव करोगे जैसे तुम बने हुए हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके केस में क्योंकि वो क्षत्रिय बना हुआ है, अगर वो भगवान की बातों को सुनता भी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि क्षत्रिय है वो क्षत्रिय जैसा ही बिहेव करेगा, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो वही काम करेगा। ठीक है, तो स्वभावा जेना मतलब बॉर्न ऑफ योर ओन नेचर, तुम्हारा स्वभाव ही है क्या कौन्तेया कुंती के सन को बोल रहे हैं निबद्धा कंडीशनड स्वेना ऑफ योर ओन, तुम कंडीशनड हो, तुम बाध्य हो ये काम करने के लिए, तुम मेरा बात सुनो या ना सुनो, तुम इस पर्टिकुलर स्थिति में तुम बाध्य हो, तुमको बनाया ही गया है क्षत्रिय ताकि तुम ये काम करो। तुम अगर मेरे बातों को सुनना भी नहीं चाहते, तुम्हारा काम ही है क्षत्रिय का, तुम्हारा काम ही है ये पर्टिकुलर काम को करने का। तो अगर तुम ऐसा भी सोचते हो नहीं मुझे आपका नहीं सुनना है, तो फिर भी तुम्हारा काम बनता है कि तुम क्षत्रिय बने हुए हो, तो बाई नेचर ऑफ योर ओन यू आर कंडीशन टू वर्क लाइक अ क्षत्रिय। तुम्हारे एक्टिविटीज़ को करना ये तुम्हारी इच्छा रहे या ना रहे, तुम्हारा दायित्व है इस चीज़ को करना। ठीक है, कर तुम टू डू ना इच्छसी इच्छा ना रहे कर भी तुमको वैसा ही करने पड़ेगा। दैट विच बाय इल्यूजन करिष्यसी यू विल डू अवश्य ज़रूर अवश्य ही तुम करोगे। ठीक है, इवन तुमको वो चीज़ पसंद आए ना आए, तुमको बनाया गया है ये काम करने के लिए, तो तुम ज़रूर वो काम करोगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट वे में बोला गया है कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान की बात को ना भी मानना चाहे तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। वैसा तरीके से सिर्फ नहीं, इस श्लोक में ये भी बोला जा रहा है कि कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर तुम अब मेरा बात सुनना भी ना चाहो फिर भी तुमको बाय डिफॉल्ट क्योंकि क्षत्रिय
क्राइटेरिया बनाया गया है, तुमको ऐसे भी वो काम करना पड़ेगा, वैसे भी वो काम, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा रीज़न, तुम बने हो इस काम को करने के लिए, सो यू हैव टू डू दैट एंड यू विल डू दैट, ठीक है। चाहे तुम मेरा बात सुन के करो या अपने आप करो, वो बाय डिफॉल्ट तुमको करना ही है। यही तक है श्लोक नंबर 60। तो किसी कभी कभी हम जैसे बने हुए होते हैं वो, उसके पीछे कुछ रीज़न रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको लोगों को पढ़ाने का मन कर रहा है या टीचर बनने का मन कर रहा है, सो यू आर बॉर्न टू बिकम अ टीचर। अगर आपको लग रहा है कि आपको लोगों को हेल्प करने का मन हो रहा है, यू आर बॉर्न टू हेल्प। अगर आपको लग रहा है लोगों को गाइड करने का आपको काम है, तो यू आर बॉर्न टू गाइड। तो जो भी आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, यू आर बॉर्न टू डू दैट। ऐसा मत करो कि परंपरा वाइज पापा डॉक्टर है या पापा पुलिस है या पापा कुछ है या मम्मी पापा ये काम करते तो मुझे भी वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वॉट एवर यू फील लाइक, जो अंदर की प्रवृत्ति है वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है, उसी पाथ पे आपको चलना चाहिए। यही तक है श्लोक नंबर 60 और भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 61 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।